वालदेन की ज़िम्मेदारी औलाद की तरबियत के बारे में अनसिब ने मालिक के हवाले से एक हदीस रसूल इन अल्फाज में आई है अक्रीम ओलादाकुम वहसिन अदबा हम सुनबिन माजा हदीस नंबर तीन हज़ार छः सौ इकहत्तर यानी अपनी औलाद के साथ बेहतर सलूक करो और उनको अच्छा अदब सिखाओ इस हदीस में अदब हसन का मतलब ज़िंदगी का बेहतर तरीक़ा है यानी ये सिखाना कि बेटा या बेटी बड़े होने के बाद दुनिया में किस तरह रहें कि वो कामयाब हों वो अपने घर और अपने समाज का बोझ यानी लायबिलिटी ना बने बल्कि वह अपने घर और अपने समाज का यानी आसट बन जाए वालदे अपने बच्चों को अगर लाड़ प्यार यानी पैम्परिंग करें तो उन्होंने बच्चों को सबसे बुरा तोहफा दिया और अगर वालदे अपने बच्चों को ज़िंदगी गुजारने का कामयाब तरीक़ा बताएं और उसके लिए उनको तैयार करें तो उन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन तोहफा दिया मसलन बच्चों में ये मिजाज बनाना कि वो दूसरों की शिकायत करने से बचें वो हर मामले में अपनी ग़लती तलाश करें वो अपनी ग़लती तलाश करके उस, उसको दुरुस्त करें और इस तरह अपने आप को बेहतर इंसान बनाएँ वो दुनिया में तवाज़ो यानी मॉडस्टी के मिजाज के साथ रहें न कि फ़ख्र और बरतरी के मिजाज के साथ ज़िंदगी में उनका असूल हयात ये हो कि वो हमेशा अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराएँ न कि दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश करें वो अपने वक्त और अपनी तवानाई को सिर्फ मुफीद कामों में लगाएँ वालदान को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये बताएँ कि अगर तुम ग़लती करोगे तो उसकी कीमत तुमको खुद अदा करनी होगी कोई दूसरा शख्स नहीं जो तुम्हारी ग़लती की कीमत अदा करे कभी दूसरों की शिकायत न करो दूसरों की शिकायत करना अपने वक्त को ज़ाय करना है हमेशा मुस्बत अंदाज से सोचो मनफी सोच से मुकम्मल तौर पर अपने आप को बचाओ बुरी आदतों से इस तरह डरो जिस तरह कोई शख्स सांप बिच्छू से डरता है वालदान को चाहिए कि वह अपने औलाद को ड्यूटी कॉन्शियस बनाए न कि राइट कॉन्शस किताब तरबियत औलाद मौलाना वहीदुद्दीन खान सफ़ा नंबर सात